हेलो गाइस, दिस इज आर्यन एंड वेलकम टू हिंदी टेक रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस ग्रीन सोल अल्टीमेट मॉन्स्टर टी गेमिंग चेयर का, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन है GS734U और यहाँ पे नेम मेंशन है मॉन्स्टर अल्टीमेट टी मल्टी फंक्शनल चेयर, जो कि ये जो मैंने मंगवाया है ये आता है 5.8 फीट से लेकर के 6.5 फीट के लिए है। तो ये लार्ज साइज है और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जितने भी चीज़ हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका जो व्हील साइज़ है 60mm का है और ऊपर से गैस लिफ्ट क्लास 4 भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो वैसे इस चेयर में एक खास चीज़ मुझे ये लगा कि बाकी चेयरों में जो बेस होता है इसका वो नायलॉन का बना हुआ होता है और इसमें जो बना हुआ है वो मेटल का बना हुआ है, आयरन का है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और बाकी सब जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। और मैंने इसे परचेज किया है अमेजोन से, तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इसे हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो पहले इसमें फोम दिया गया है, इसे फिलहाल निकाल के हम लोग साइड में रखते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे गाइड दिए हुए यूज़ कि हमें इस चेयर को कैसे असेंबल करना है और इसमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, ओवरऑल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ ये रहा, फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। और ये रहा इसका बैक साइड, तो इसे निकालते हैं हम लोग। तो ये चेयर PU लेदर और फैब्रिक से बना हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पे PU लेदर की फिनिशिंग और फैब्रिक दोनों मिक्स है, दोनों कंबाइन है, जिससे कि आपको बैठने में कंफर्टेबल फील होगा जैसा मैंने देखा और जैसे ये है। तो फिलहाल बाकी प्रोडक्ट निकालते हैं और उसके बाद इसे असेंबल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर ये गेमिंग चेयर कैसा लगता है और इसे असेंबल कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये रहा इसका लंबाट पिलो, जो कि काफ़ी अच्छा और एकदम सॉफ्ट स्मूथ, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, वर्थ इट है। और ये रहा इसका नेक पिलो, तो इसे साइड में हम रखते हैं अभी फ़िलहाल। और ये रहा इस चेयर का बेस, तो इसे भी हम लोग साइड में रखते हैं। बॉक्स पैकेजिंग में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। और ये कुछ ऐसे पैकिंग किया हुआ है और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये रहा इसका 4D आर्म रेस्ट। और अब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लॉक मैकेनिज्म, जो कि चेयर को लिफ्ट करने में काम में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है, ये भी हम लोग साइड में रखते हैं। और अब हमें बॉक्स में एक ये और बॉक्स में देखने के लिए मिलता है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एलेंकी और कुछ वोल्ट्स और स्क्रू। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है गैस लिफ्ट, ओके। और ये रहा 60mm का व्हील और ये रहा इसका कुछ कवर और ये रहा चेयर का बेस। तो ये भी काफ़ी हेवी है। तो यहाँ पे सब कुछ फुल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इतना सारा सामान इस बॉक्स के अंदर से निकला है। और हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ये रहा
एक हैंड ग्लव्स जिसे हमें पहनकर इसे असेंबल करना है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा इस चेयर का। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगा इस यूज़र मैनुअल की और गाइड की कि कैसे हमें असेंबल करना है, क्योंकि हर चीज़ में तो हम लोग फेंक देते हैं पर इसमें हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बेस को असेंबल करना है। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा इसका बेस। तो ये रहा इसका बेस। तो हमें सबसे पहले इस बेस में इसका व्हील फिक्स करना है। तो इसमें व्हील लगाना काफ़ी आसान है। तो ये हमें ऐसे लेना है और यहाँ पर लगाकर हमें इसे प्रेस कर देना है और ये व्हील लॉक हो गया। तो वैसे ही हमें सारे व्हील को लॉक कर देना है। तो अब हमें इसमें गैस लिफ्ट लगाना होगा। तो ये रहा ओके। तो ये ऐसे लगेगा और ये कुछ इस टाइप से लगेगा और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस इसके अंदर ऐसे रख देना है। अब हमें इस चेयर के बेस को असेंबल करना है इधर। कड़ी मशक्कत के बाद हमारा ये फाइनली असेंबल हो चुका है। अब हमें एक काम ये है कि हमें इसे इसके अंदर फिट करना है। तो आप लोग देख सकते हो ये फाइनली लग चुका है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे नहीं लगा था कि हाँ इतनी आसानी से ये लग जाएगा। अभी ये लिफ्ट भी काम कर रहा है इसका। तो इसके लिए हमें दो लोगों का हेल्प चाहिए होगा। तो फ़िलहाल मैं इसे सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये आखिर कैसा दिखता है। ये असेंबल हो चुका है, ये कुछ ऐसे लगेगा। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे फिट हो चुका है। अब बारी है लास्टली नेक पिलो की। तो ये लगाना काफ़ी आसान है, सेट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे इस 4D आर्मरेस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अब लिटरली जैसा मुझे फील हो रहा है। मैं इससे पहले यूज़ कर रहा था एक नॉर्मल चेयर, ऑफिस चेयर, जिसमें कि मुझे वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। हाफ एन आवर, वन आवर मैं बैठता था वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो बैक पेन होना शुरू हो जाता था। और ओवरऑल ये चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसा कि मैं अभी जस्ट असेंबल किया हूँ और जो अभी मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करने के बाद मैं इस चीज़ का प्रॉपर अपना ओपिनियन रिव्यू दूंगा।
Oh.